दिवाली के त्यौहार और लॉन्ग वीकेंड पर रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस की दो बड़ी फिल्में लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन। और इसी के साथ ट्विटर पर फिल्में रिलीज होने से पहले ही बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा और बॉयकॉट रक्षाबंधन भी ट्रेंड कर रहा था। अब जब फिल्म रिलीज हो चुकी है तो इसके रिव्यूज भी आउट हो चुके हैं। पहले बात करें आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की, जो कि एक हिंदी अडैप्टेशन है टॉम हैंक्स की क्लासिक फिल्म फॉरेस्ट गम की, तो उसे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं किया जा रहा है। ट्विटर पर फैंस कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं इस फिल्म से। ये फिल्म फॉरेस्ट गम का 10% भी नहीं है। इसके अलावा कुछ फैंस का कहना है कि ऐसे कुछ मूवमेंट्स हैं इस फिल्म के अंदर जो आपके दिलों को छू जाते हैं। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस फिल्म की कहे जा रहे हैं आमिर खान, क्योंकि उनका एक्ट बहुत ही ज़्यादा अजीब और बहुत ज़्यादा अलग है, जो सभी को पसंद नहीं आ रहा है। वैसे फिल्म काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन पूरी फिल्म देखने के लिए आप वहाँ पर बैठ तो सके, लेकिन फिल्म बीच में इतनी ज़्यादा स्लो और इतनी बोरिंग हो जाती है कि कई लोग तो थिएटर से फिल्म के बीच में से ही उठकर चले गए। लाल सिंह चड्ढा में आमिर के अलावा बाकी सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे फिर वो चय हो या फिर करीना हो। इसके अलावा इस फिल्म का बेस्ट पार्ट बताया जा रहा है शाहरुख खान को, वो तो फिल्म देखकर ही आपको पता चलेगा। और बात करें रक्षाबंधन की, तो रक्षाबंधन ने लोगों का दिल जीत लिया है। इस ओवर ड्रामेटिक फिल्म ने लोगों के दिलों को छुआ है। भाई बहन की ये कहानी है और रक्षाबंधन के दिन ये रिलीज हुई है। और दो फ्लॉप देने के बाद अक्षय कुमार इस फिल्म के साथ वापस आ चुके हैं और ऑडियंसेस के साथ उनके तार भी जुड़ चुके हैं। यहां तक कि ट्विटर पर अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन को 2022 का वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉकबस्टर कहा जा रहा है। भाई और बहन की ये परफेक्ट स्टोरी है, जिसमें प्योर लव दिखाया गया है और एंड में डावरी को लेकर एक मैसेज भी है। इस फिल्म में इमोशन है, प्यार है, ड्रामा है, मैसेज है और इसके साथ साथ हिमेश रेशमिया का म्यूजिक भी है, जिसकी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। अक्षय कुमार के अलावा भूमि पेडनेकर भी इस फिल्म का हिस्सा है। अक्षय कुमार की अब तक की जिस भी फिल्म में सोशल मैसेजेस रहे हैं वो वैसे भी हिट साबित हुई है, और रक्षाबंधन भी एक वैसी ही फिल्म है जिसे लोग देखना चाहते हैं, और वर्ड ऑफ माउथ से इस फिल्म के अच्छे रिव्यूज स्प्रेड भी हो रहे हैं। अब आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सी फिल्म देखनी है, लाल सिंह चड्ढा या रक्षाबंधन।